नीट मामले में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। लगातार आप देखें नीट पेपर लीक मामला कितना ज्यादा गरमाया, विवाद इसको लेकर हुआ और देश भर में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किए गए। इतना ही नहीं, विपक्ष ने भी इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया, संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है और ये कहा है कि नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिनमें ये कहा जा रहा था कि फिर से यानी कि री एग्जाम हो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि री एग्जाम की जरूरत नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला नीट की परीक्षा के बारे में हुआ है, जिसको लेकर के विपक्षी लोगों ने देश में हंगामा मचा रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था और एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी, एग्जामिनेशन की ईमानदारी, एग्जामिनेशन का जो पूरी पवित्रता होती है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ।